गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ना पार्ट दो, दयालु बालक। तो हमने आधा तो हमने चैप्टर पढ़ लिया था। इसमें क्या हमने पढ़ा था बेटा कि सुबह का समय था और राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहाँ बगीचे में बहुत रंग बिरंगे फूल खिले थे और खूब सारी पक्षी यानी चिड़िया उड़िया चहचहा रही थी और वहाँ पे चारों तरफ का जो वातावरण था बहुत ही सुंदर था। अचानक चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। जब राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे तो अचानक चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तो राजकुमार सिद्धार्थ ही समझ नहीं पाए कि जो चिड़ियाँ अभी चहचहा रही थी उन्होंने एकदम से अचानक क्यों बंद कर दिया चहचहाना। और वे उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे मानो वह किसी चीज़ को देखकर डर गई हो। उसके बाद क्या होता है, जब राजकुमार टहल रहे थे वहीं बगीचे में तभी अचानक एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा जिसके शरीर पर तीर लगा हुआ था। तीर लगने की वजह से वह हंस बहुत दर्द से तड़प रहा था। तो सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। सिद्धार्थ ने उसे उठाया, गोदी में लिया उसे और उसके प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरने लगे ताकि हंस को थोड़ा सा आराम महसूस हो। फिर उन्होंने धीरे से जो हंस के शरीर पे जो तीर चुभा था उसे उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद क्या किया था उन्होंने, हंस का जो घाव था उसे धोया था और उस पर मरहम पट्टी यानी उस पर दवाई लगा के उस पर पट्टी बांधी थी उस घाव पर। इससे क्या होता है, जो हंस था उसकी थोड़ा दर्द कम हुआ था। और उसके बाद क्या किया, सिद्धार्थ ने उसको गोदी में लेके ही पूरे महल के बगीचे में टहलने लगे। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी उनका चचेरा भाई, कल मैंने आपको बताया था ना जो चाचा का बेटा होता है वह चचेरा भाई कहलाता है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है, मैंने इसे तीर मार कर गिराया है। ठीक है, इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी ना कि उसका चचेरा भाई आता है, उसके हाथ में धनुष बाण थे और उसने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो क्या सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, उत्तर देने यानी किसी प्रश्न का जवाब देना। ठीक है ना, उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया उसने कि नहीं यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं यह हंस मेरा है क्योंकि देवदत्त ने कहा था ना कि यह हंस मेरा है और मुझे दे दो। तब सिद्धार्थ जो उनको गोदी में लेके टहल रहे थे, सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं यह हंस मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है, यानी जब तुमने इसको तीर मारा उसके बाद इसकी जान तो मैंने बचाई इसलिए यह हंस मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। तो मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। यानी सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने तो इसको तीर मारा था लेकिन इसकी जान तो मैंने बचाई है इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। ठीक है, दोनों में बहस छिड़ गई। बहस छिड़ना मतलब बेटा जैसे नहीं छोटी छोटी बातों में लोग गुस्सा हो जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं, तो यही बात लेकर दोनों में बहस छिड़ गई यानी लड़ाई होने लगी और विवाद गहरा हो गया। विवाद भी लड़ाई होती है, यानी बहस करने लग गए वे लोग, आपस में बातें करने लग गए जोर जोर से कि यह मेरा हंस है और दूसरे ने कहा यह मेरा हंस है। इसी बात में दोनों में गहरा विवाद यानी गहरा झगड़ा शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। अड़ जाने यानी एकदम हिलना नहीं अपनी बात से, जो उसकी मैंने कह दिया तो ये कह दिया। ठीक है, इसे कहते हैं अड़ जाना, अपनी बात पर टिके रहना। तो वे दोनों अपनी ही अपनी बात पर अड़ गए, टिक गए। सिद्धार्थ कह रहा था कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। देवदत्त कह रहे थे कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको तीर मार कर गिराया है। ठीक है, इसी बात पर दोनों एक दूसरे से विवाद करने लगे और अपनी अपनी जिद पर अड़ गए यानी अटल हो गए।
वे दोनों कोई निर्णय ना ले सके। निर्णय मतलब क्या होता है बेटा, निर्णय मतलब फैसला। यानी जब एक कह रहा है कि यह हंस मेरा है, दूसरा कह रहा है यह हंस मेरा है, तो हंस तो किसी एक का ही होगा ना, दोनों का तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का कोई निर्णय नहीं हो पाया, फैसला नहीं हो पाया कि वास्तव में हंस किसका होगा, देवदत्त का होगा जिसने तीर मारी थी, या सिद्धार्थ का होगा जिसने उस हंस की जान बचाई थी। तो इस बात का निर्णय दोनों नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने निर्णय के लिए राजा के पास चलने का फैसला किया। ठीक है, अतः मतलब इसलिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने, यहाँ उन्होंने क्यों बताया गया है, क्योंकि उन्होंने में सिद्धार्थ और देवदत्त ने, ठीक है, इसलिए सिद्धार्थ और देवदत्त ने राजा के पास चलने का फैसला किया है, यानी निर्णय किया। जब उन दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, यह बात नहीं हो पाई कि हंस किसको मिलेगा, तब उन दोनों ने यह फैसला किया कि चलिए हम लोग राजा के पास चलकर इस बात का फैसला करेंगे कि यह हंस किसको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है बेटा। दोनों राजा के दरबार की ओर चल दिए। वे दोनों कहाँ, जहाँ राजा बैठते थे, दरबार होता है जहाँ पे राजा आके बैठते हैं। ठीक है, तो वे दोनों राजा के दरबार की ओर चल दिए। जिधर दरबार लगता था राजा का, उस ओर वे दोनों चल दिए। दरबार में पहुंचकर देवदत्त ने राजा से शिकायत की। एक मिनट, हम लोग देखिए पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए दरबार लगा हुआ है ना, ये राजा बैठे हुए हैं, ये उनके मंत्री हैं, और ये सिद्धार्थ हैं, और ये देवदत्त। सिद्धार्थ ने अपनी गोद में हंस को अभी भी लेके रखा है, और ये देवदत्त, इन्होंने धनुष बाण पकड़ा हुआ है, और ये राजा से अपनी बात कहने दोनों जने आए हैं, क्योंकि इन लोगों का फैसला नहीं हो पा रहा था कि हंस किसको मिलेगा, इसलिए वे दोनों आके राजा के दरबार में उनसे अपनी बात कहने लगे। चलिए देखिए क्या है। दरबार में पहुंचकर देवदत्त ने राजा से शिकायत की। जब ये दोनों दरबार में पहुंच गए, तो जो देवदत्त था उसने राजा से कहा, राजा से शिकायत की कि क्या कहा उसने, कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। उसने कहा, देवदत्त ने कहा कि सिद्धार्थ मेरा हंस को ले लिया है, और वह मेरा हंस मुझे वापस नहीं कर रहा है, मैंने इसका शिकार किया है। उसने कहा कि मैंने इसका शिकार किया, यानी मैंने उसको तीर मारा है, तीर मारकर उसको नीचे गिराया है ज़मीन पर। अब सिद्धार्थ ने उसको ले लिया है, और वह कह रहा है कि यह हंस उसका है, तो ये, और क्योंकि मैंने इसको मारा है तो यह हंस मुझे मिलना चाहिए। ये बात उसने राजा से कही। नहीं, हंस मेरा है, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, सिद्धार्थ ने कहा। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या कहा कि नहीं, हंस मेरा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, यह जो हंस मैंने ले के रखा यह मेरा होगा, क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाए, यानी प्राण मतलब जान बचाई है। घायल हंस को सिद्धार्थ ने मरहम पट्टी की थी, दवा लगाई थी, और उसके तीर निकाला था, उसके घाव पर उन्होंने दवा लगाई थी, इसलिए सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस मेरा है और मैंने इसके प्राण बचाए हैं। चलिए अब क्या हुआ, दोनों राजा के सामने विवाद करने लगे। अब ये दोनों जो राजा के पास आए थे, दरबार की तरफ आए थे, वे दोनों ही राजा के सामने ही आपस में फिर से झगड़ने लगे। ये कह, देवदत्त कह रहा था कि हंस मेरा है, और सिद्धार्थ कह रहे थे कि यह हंस मेरा है। ठीक है, तो इस बात पे दोनों राजा के सामने ही लड़ने लगे। राजा ने दोनों को शांत किया। शांत मतलब बेटा चुप कराया, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे।
शांत कराया राजा ने उन्हें और कहा, इसका निर्णय मैं करूंगा कि हंस किसका है। राजा ने क्या कहा, राजा ने पहले दोनों को शांत कराया क्योंकि फिर दोनों लड़ने लग गए थे आपस में। तो राजा ने दोनों को पहले शांत कराया, चुप कराया, और फिर राजा ने कहा, ये राजा हैं, इन्होंने कहा कि इसका निर्णय यानी इसका फैसला मैं करूंगा कि हंस किसका है, यानी ये हंस जो है घायल हंस वो राजकुमार सिद्धार्थ का है या राजकुमार देवदत्त का, इसका फैसला राजा ने कहा कि मैं करूंगा, आप लोग ना करें। ठीक है, ये हमने देखे बेटा, आज ये हमने यहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग लगाई है। इसी चीज़ को आपको कल पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक रीडिंग लगानी है। ये देखिए मैं आपको बता दूँ, देखो बेटा पेज नंबर 8 है ना, ये देखिए पेज नंबर 8 दिख रहा है ना हमें, ये पेज नंबर 8, इसी की हमें रीडिंग लगानी है बेटा। ये यहाँ से यहाँ तक होमवर्क में रीडिंग लगानी है। ठीक है, और इसमें कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करना है, और भी रिटर्न वर्क इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जो हार्ड वर्ड्स हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।